मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। राहु और केतु की समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं से बचने के सरल उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों की समस्याओं से बचने के सरल उपाय क्या हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राहु केतु की समस्याओं के बारे में और इनसे बचने के सरल उपायों के बारे में। राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आकाश में दिखाई देंगे परिक्रमा करते हुए। इनको छाया ग्रह माना जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के कटान से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य और चंद्र का जो परिक्रमा पथ माना जाता है, उसमें जो एक दूसरे को परिक्रमा पथ काटते हैं, उससे राहु और केतु का जन्म होता है। राहु स्वतंत्र रूप से शनि का प्रभाव रखता है। अगर इंडिपेंडेंट राहु है तो वो शनि के बराबर है, और अगर स्वतंत्र रूप से केतु है तो ये मंगल का प्रभाव रखता है। राहु किसी भी ग्रह के प्रभाव को कम कर देता है और केतु किसी भी ग्रह के प्रभाव को काफी बढ़ा देता है। राहु और केतु के बारे में एक बात और जानिए। महर्षि पराशर कहते हैं कि राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती। हालांकि बड़े सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि राहु और केतु की दृष्टि भी होती है, लेकिन टेक्निकली राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती है। अब जानते हैं कि राहु और केतु का शुभ प्रभाव क्या है, इसका अच्छा असर क्या है। देखिए, राहु और केतु का जब शुभ प्रभाव होता है तो क्या फायदे होते हैं। राहु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। राहु अभिनय के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता देता है। राहु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। केतु अनुसंधान का, रिसर्च का मालिक है और रिसर्च के क्षेत्र में, रहस्यमयी चीजों के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। केतु व्यक्ति को साहसी भी बनाता है, पराक्रमी भी बनाता है। केतु का अगर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक सफलता भी मिलती है, और केतु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत सारे धर्म स्थानों की यात्रा करता है, गंगा स्नान करता है, ऐसा देखा गया है। अब जानते हैं कि राहु और केतु का अशुभ प्रभाव क्या है। देखिए, राहु जो है ये जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करता है। ये व्यक्ति के जीवन और आदतों को दूषित कर देता है। राहु का प्रभाव हो, व्यक्ति की आदतें खराब होंगी, उसके संयोग दूषित होंगे। राहु के खराब होने पर व्यक्ति मलिन हो जाता है, धूर्त हो जाता है, नहाता नहीं है, कपड़े नहीं बदलता, पूजा उपासना नहीं करता, एकदम मलिन सा हो जाता है। राहु अज्ञात भय, अज्ञात रोग और आत्महत्या की तरफ भी ले जाता है। राहु का निगेटिव प्रभाव हो तो आपको फियर साइकोसिस होगा, बेवजह की बीमारियां होंगी और आप आत्महत्या की तरफ जा सकते हैं। केतु रोग की संभावना को बढ़ा देता है। अगर केतु कुंडली में खराब है तो रोग होने की, इन्फेक्शन होने की संभावना काफी होती है। केतु मूत्र विकार, किडनी और त्वचा के रोग की विचित्र समस्याएं प्रदान करता है। ये कभी कभी व्यक्ति को तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर भी ले जाता है। केतु अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति उल्टी सीधी सिद्धियां पाने का प्रयास करता है, और अगर कभी मिल गई तो उनका दुरुपयोग करता है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में राहु केतु से जुड़ी हुई समस्या है, तो इन समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं? पहली बात, जीवनचर्या को दुरुस्त और पवित्र बनाएं। अगर राहु केतु निगेटिव हैं तो जिंदगी में ईमानदार हों, पवित्र हों, दुरुस्त रहें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के दो पत्ते जरूर ग्रहण करें। चंदन का नियमित रूप से तिलक लगाएं या चंदन की खुशबू लगाएं।
राहु केतु अगर निगेटिव हैं तो मांस मदिरा का और फास्ट फूड का प्रयोग बंद कर दें। जहां तक संभव हो नियमित रूप से मंत्र का जप करें, जो भी आपको मंत्र ठीक लगे, जो भी आपको स्तुति ठीक लगे उसका पाठ करें। राहु केतु अगर निगेटिव हैं तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।